कैंसर डे का खास मकसद है, आइए मिलकर आवाज उठाएं। क्या आवाज उठाएं? लीडर्स को। आज प्रथम बार एक कॉल दिया है वर्ल्ड कैंसर ग्रुप ने, अगर लीडर्स को कॉल देना है का ये समाज के इन बैरियर्स को दूर करें जो आम जनता को कैंसर के इलाज से दूर रखती है। वो बैरियर है इनइक्वालिटी, इनकम, गरीबी, अशिक्षा, नहीं जानने के कारण, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। आजकल क्या हो गया है कि जीवन की आपाधापी में, जीवन के दौड़ में जो यंगस्टर्स हैं वो अपने काम के सिलसिले में रात में देर से सोना, सवेरे देर से जगना, लाइफस्टाइल का पूरी तरह से बेतरतीब हो जाना, इसलिए कैंसर को लाइफस्टाइल की बीमारी भी आप कह सकते हैं, जीवन शैली की बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, कैंसर भी है। अगर आप समय पर उठें, रोज़ कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट वॉक करें, अपने वजन को नियंत्रित करें, मोटापा को नियंत्रित करें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं, नियमित जांच कराते रहें, तो यंग एज का जो कैंसर है उसमें बहुत हद तक आप फतह हासिल कर पाएंगे। मेल में होता है लेकिन मेल में इंसिडेंस सर्वाइकल नहीं होगा, पेनाइल कैंसर होगा, लेकिन मेल में इंसिडेंस कम होता है, फीमेल में ज्यादा होता है। फीमेल में ज्यादा होता है, हाँ। एनोजेनाइटल वॉर्ट्स होता है, ओरल कैंसर होता है, और मतलब सर्विक्स का, वल्वा का, ये सब कैंसर HPV से होता है। इसलिए वैक्सीनेशन पर बहुत प्राइमरी हम लोगों को जोर देना है कि 9 से 15 साल में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो। हम तकरीबन 25 क्लब के साथ इस इवेंट में जुड़े हैं। आपने सही कहा कि यह बीमारी महामारी की तरफ फैलती जा रही है। इसका पहला असर तो जाता है लोगों का गलत रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, और जो उन्होंने अपने साथ आदतें लगा रखी हैं, गुटखा खाना, पान खाना, तरह की बीमारियों के कारण भी यह बीमारी काफ़ी बढ़ रही है। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी झा। आज है 4 फरवरी यानी कि वर्ल्ड कैंसर डे। आपको बता दें कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और इसी को लेकर पटना के मगध कैंसर सेंटर एक इवेंट ऑर्गेनाइज करती है जिसके थ्रू लोगों को बताया जाता है कि कैंसर से कैसे बचाव किया जाए और कैंसर के सिम्टम्स कैसे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गोपाल प्रसाद सिन्हा, जिन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। आपको बता दें डॉक्टर राजीव रंजन फिजिशियन है ये, और डॉक्टर अलका पांडे। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड कैंसर डे के दिन जो है ये इवेंट का ऑर्गेनाइज होता है और इस इवेंट में एक्चुअली क्या क्या होता है। पहले तो सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। आज विश्व कैंसर दिवस पर मैं इसके संयोजकों को बधाई देता हूँ कि UICC यूनाइटेड इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल के इस नामकरण का इन्होंने पटना में जागृत किया है और कैंसर दिवस मनाया है। आज कैंसर से दुनिया में कितनी मौतें हैं आपको मालूम होगा, सिर्फ 2020 में 10 मिलियन आदमी कैंसर से एक साल सफ़र किए थे, उसमें 8.5 मिलियन आदमी मर गए थे, और जो हमारे गरीब देश हैं इनमें मृत्यु की संख्या परसेंट और बहुत ज़्यादा है। समृद्ध देशों में दर कैंसर का भले ही कम हो लेकिन मृत्यु कम है, लेकिन यहाँ मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। ऐसे हालत में कैंसर के प्रति जो गैप होता है, एक आम आदमी कैंसर के इलाज तक पहुँच नहीं सकता है, उसे कहते हैं कैंसर केयर गैप। दिस इज हम चाहते हैं यहाँ पहुँचना, हम हैं यहाँ। इतना पहुँचने में कई बैरियर्स पार करना पड़ता है, इतना बैरियर्स हैं कि कैंसर का इलाज इतना महंगा है, समाज में इतनी इसके प्रति जागरूकता नहीं है, और इस तक पहुंचना कितना मुश्किल है। इसके लिए इस कैंसर डे का खास मकसद है, आइए मिलकर आवाज़ उठाएं। क्या आवाज़ उठाएं? लीडर्स को। आज प्रथम बार एक कॉल दिया है वर्ल्ड कैंसर ग्रुप ने, अगर लीडर्स को कॉल देना है का ये समाज के इन बैरियर्स को दूर करें जो आम जनता को कैंसर के इलाज से दूर रखती है। वो बैरियर है इनइक्वालिटी, इनकम, गरीबी, अशिक्षा, नहीं जानने के कारण, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक और व्हाइट का डिस्क्रिमिनेशन, आदिवासी समाज में जहां भिरजर समाज में कंप्लीट इसके प्रति नहीं है, और कैंसर ट्रीटमेंट का कम से कम आम गरीब देशों में मात्र 30% लोग उपलब्ध हो पाते हैं जो खर्च करने के बावजूद, जबकि विदेशों में 90% उपलब्ध होते हैं। ये 70% कहाँ जाएंगे? इसी को बैरियर को तोड़ने के लिए आज जो कार्यक्रम कॉल दिया गया है वर्ल्ड कैंसर डे में, आइए मिलकर आवाज़ उठाएं और मिलकर इस कैंसर को फाइट करें। प्रिवेंशन में, अर्ली डिटेक्शन में और ट्रीटमेंट में, ये बहुत बीमारी
को ऐसा है जिसको कि अगर सब कोई मिलकर प्रयास करे तो मृत्यु दर को बहुत हद तक रोका जा सकता है। और इसलिए कहा गया कि एक एक इंडिविजुअल इसमें अपना इसका अपना कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर आप कैंसर प्रति सचेत हैं, आप अपने को बचाइएगा, परिवार को बचाइएगा, समाज को बचाइएगा, देश को बचाइएगा, शुरू में डिटेक्ट कर उसकी पहचान कर और उसको मदद करके इच्छा के अनुसार बैरियर को तोड़ते हुए आप अकेले बहुत कुछ कर सकते हैं। और अगर यूनिटी हो जाए पूरे समाज में, तो आज दिया गया ये यूनिटी किसके लिए, लीडर्स को कॉल करने के लिए आज थीम निकाला गया है, लेट अस गिव ए कॉल टू द लीडर्स टू ब्रेक दिस बैरियर, जिससे कि आम आदमी कैंसर के इस गैप को फिलअप कर सके। सर, आज के युवाओं में ज्यादा ही कैंसर पेशेंट देखा जाता है कि युवा ज्यादा ग्रसित हो रहे इस बीमारी से, क्या कारण है सर इसका? ऐसा है कि आजकल, पहले कहता था कि कैंसर का क्योर नहीं है, लोग डर जाते थे, अब है कि कैंसर को 40-50% कैंसर प्रिवेंटेबल है, इसको बचाया जा सकता है, ये क्यूरेबल है अगर समय पर इसका निदान हो जाए। यंग एज में जैसा आपने कहा, ये कैंसर एक सिविलाइजेशन की बीमारी है, एक सभ्यता की बीमारी है। आजकल क्या हो गया है कि जीवन की आपाधापी में, जीवन के दौड़ में जो यंगस्टर्स हैं वो अपने काम के सिलसिले में रात में देर से सोना, सवेरे देर से जगना, लाइफ स्टाइल का पूरी तरह से बेतरतीब हो जाना, इसलिए कैंसर को लाइफ स्टाइल की बीमारी भी आप कह सकते हैं, जीवन शैली की बीमारी है, जैसे हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, कैंसर भी है। अगर आप समय पर उठें, रोज़ कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट वॉक करें, अपने वजन को नियंत्रित करें, मोटापा को नियंत्रित करें, अच्छी जीवन शैली अपनाएं, नियमित जाँच कराते रहें, तो यंग एज का जो कैंसर है उसमें बहुत हद तक आप फतह हासिल कर पाएंगे, इससे आपको निजात मिलेगी। इसका कारण कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि आज के युवा में गुस्सा भी ज्यादा देखा जाता है, एंगर इशू रहता है बच्चों में, और वो बाहर की चीजें ज्यादा खाना पसंद करते, क्या ये भी एक कारण? हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा कि गुस्सा की वजह से नहीं, लेकिन ये डाइटरी हैबिट जो हो गया है वो बहुत इरेगुलर हो गया है। प्रोसेस्ड फूड हम लोग इतना लेने लगे हैं, पिज्जा है, बर्गर है, चाउमीन है, नूडल्स है, तो घर का खाना का चलन तो बिल्कुल खत्म हो गया। आज का है कि कोई भी फंक्शन हो, चाहे बर्थडे फंक्शन हो, चाहे शादी का फंक्शन हो, कहीं भी हो, लोग चाहे कहीं भी ऑफिस भी जा रहे हैं तो दो पिज्जा का बाइट लेकर के ऑफिस चले गए, भागा भागी कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो जितने भी फास्ट फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उसकी वजह से मोटापा बढ़ेगा। तो इसलिए डाइट पर नियंत्रण करें, डाइट को रेगुलेटेड करें, कसरत को अपने आदतों में शुमार करें, शारीरिक व्यायाम को अपने, तो बहुत हद तक फतह हासिल होगा आपको कैंसर पर। मैम, हाल ही में एक पूनम पांडे जो एक्ट्रेस है, सर्वाइकल कैंसर के बारे में सुना होगा, कई लोगों को पता ही नहीं था कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, और जब से ये इंसिडेंट हुआ है तब से लोग अवेयर नजर आ रहे, क्या कहेंगे सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? सर्वाइकल कैंसर ये होता है कि जो महिलाओं में बच्चेदानी होता है ना, उसका जो मुंह वाला भाग होता है उसको सर्विक्स कहते हैं, और वहीं का जो कैंसर होता है उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और सर्वाइकल कैंसर जो होता है ना, वो HPV वायरस के चलते होता है। HPV वायरस सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, यानी कि मतलब साथ रहने से मेल और फीमेल के वो ट्रांसमिट होता है फीमेल में। 90% ऑफ द टाइम में वो क्लियर्ड ऑफ हो जाता है, लेकिन 10% में जो परसिस्टेंट HPV इन्फेक्शन होता है उसके चलते सर्वाइकल कैंसर होता है। तो आजकल हम लोगों के लिए HPV वैक्सीन निकल गया है, 9 से 15 साल के उम्र में अगर लड़कियों को हम लोग प्रेरित करेंगे कि HPV वैक्सीन लें तो उनमें सर्वाइकल कैंसर का इंसिडेंस कम होगा, लेकिन ये 45 साल की उसको कैचअप वैक्सीनेशन करते हैं, अगर 15 साल के उम्र के बाद जो लेते हैं उसको कैचअप वैक्सीनेशन कहते हैं। अब मैडम से बात कीजिए। मैम, सर्वाइकल कैंसर के बारे में आपने हाल ही सुना होगा पूनम पांडे का न्यूज़। मैम, क्या लगता है ये जो सर्वाइकल कैंसर है, ये क्या मेल में भी होता है या सिर्फ फीमेल में? नहीं, मेल में होता है, लेकिन मेल में इंसिडेंस सर्वाइकल नहीं होगा, पेनाइल कैंसर होगा, लेकिन मेल में इंसिडेंस कम होता है, फीमेल में ज़्यादा होता है। फीमेल में ज़्यादा होता है। हाँ, अच्छा। हर 5 मिनट में एक महिला का मौत कैंसर सर्वाइकल कैंसर से होता है, हर 5 में वर्ल्ड में। इसकी तो वैक्सीनेशन भी आ गई है, मतलब इसकी वैक्सीनेशन भी आ गई है, तो हर लोगों को चाहिए कि 9 साल के बाद ही लड़की को 9 साल के बाद ही वैक्सीनेशन दे दें। आजकल मेल में भी मेल में इंसिडेंस कम है,
लेकिन मेल का वैक्सीन भी आ गया, इससे वॉर्ट्स भी होता है ना, वॉर्ट्स भी होता है, एनोजेनाइटल वॉर्ट्स होता है, ओरल कैंसर होता है, और मतलब सर्विक्स का, वल्वा का, ये सब कैंसर HPV से होता है। इसलिए वैक्सीनेशन पर बहुत प्राइमरी हम लोगों को जोर देना है कि 9 से 15 साल में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो। मैम, ये जो इवेंट हो रहा है मगध कैंसर सेंटर की तरफ से, इसमें आप लोग क्या प्रोवाइड कराती हैं? ये जो इवेंट हो रहा है, सबसे पहले तो हम अवेयरनेस, देखिए आप जो पूछ रही हैं मैम, जितना भी वो इनइक्वालिटी बोल रहे हैं, हमारे समझ से तो वैसा इनइक्वालिटी अब कहीं नहीं है। हर जगह सरकार इतना प्रोवाइड कर रही है कि हर किसी को सब कुछ मिल रहा है, लेकिन ज्ञान का इनइक्वालिटी है। हम लोग जाते भी हैं कैंप करने, और जब हम लोग कहते हैं कि आप लेटिए, आपका हम लोग देखना चाहते हैं सर्विक्स, तो यही बोलती है कि हमको तो कुछ है ये नहीं है, तो क्या चीज़ देखिएगा, हम नहीं सोएंगे। तो दे हैव टू बी मेड अवेयर अबाउट इट, उनको ये बताने की आवश्यकता है कि आपको नहीं भी पता चल सकता है कि आपके अंदर में क्या सर्वाइकल कैंसर हो रहा है कि नहीं, जब तक हम, हो सकता है कि बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ ले उसको। डिस्ट्रिक्ट 325 की चेयरमैन हूँ, महिलाओं के साथ ग्रास रूट पर जुड़ के मैं काम कर रही हूँ अपने क्लब के साथ, और आज के इवेंट में भी हम सबों की सहभागिता है। हम तकरीबन 25 क्लब के साथ इस इवेंट में जुड़े हैं। आपने सही कहा कि यह बीमारी महामारी की तरफ फैलती जा रही है। इसका पहला असर तो जाता है लोगों का गलत रहन सहन, खान पान, तौर तरीके, और जो उन्होंने अपने साथ आदतें लगा रखी हैं, गुटखा खाना, पान खाना, तरह की बीमारियों के कारण भी यह बीमारी काफ़ी बढ़ रही है। तो इससे उपाय के लिए सरकार भी काफ़ी अग्रसर है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी भी बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हम सबों को, इस राक्षस के पांव से निकलने में हम सबों की मदद कर रहे हैं, और डॉक्टर सोसाइटी हमारे साथ ही हैं। साथ ही हम लोग जो समाज सेवा का काम करते हैं, हम लोग भी अपने इनर व्हील क्लब के माध्यम से इसमें सहभागिता दे रहे हैं ताकि हम इस कैंसर को दूर भगा सकें। अभी हमने 100 बच्चियों को सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दिलवाया है ताकि ये बच्चा सर्वाइकल कैंसर से ग्रसित नहीं हो पाए। इसके बाद हम लोग इन लोगों के साथ में जो बच जाते हैं कैंसर इलाज के बाद, उनका फिर से उनका जीवन कैसे सुचारू हो पाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, अभी तक कितने बच्चे को डोज मिल चुका है इस चीज़? अभी हमारे इनर व्हील क्लब की ओर से 500 हो चुका है इस सत्र में। अभी हम लोगों ने 100 का टारगेट लिया था, जिसमें से करीब 100 के आसपास हम लोग पहुंच गए हैं, सिर्फ पटना से शहर में, पटना शहर में। ऐसा हर, इसमें वैज्ञानिक कारण भी है, जेनेटिक प्रॉब्लम भी आता है। अगर किसी के परिवार में पहले से कैंसर है तो 90% चांस रहता है कि उनकी बच्चियों को यह कैंसर होगा, और महिलाएं अपने ऊपर बहुत बेरुखी से अपना ख्याल रखती हैं, इस कारण भी ये समस्या बढ़ रही है। तो ज़रूरत है जागरूकता बढ़ाने की, क्योंकि जागरूकता एक ऐसी कुंजी है जो लोगों में अवेयरनेस बढ़ेगी, और अवेयरनेस आएगा, जागरूकता आएगा लोगों में, तो वो इस बीमारी से दूर होंगे। अपनों को बचाने की ज़रूरत है, कैंसर के मिथ्स को रोकने की ज़रूरत है, और ज़रूरत है तो एकजुट होकर कैंसर के बहिष्कार करने की, उसके रोकथाम के लिए जो हम लोग को वैक्सीन दिया जाता है उसको आगे बढ़ाने की, और सब मिलके कैंसर को बाय बाय करें। वो डॉक्टर के पास नहीं जाते क्योंकि उनको लगता है कि उनका कोई इलाज ही नहीं है, क्योंकि उनके सामने मिथ बहुत है, कैंसर से होने वाले बहुत सारे शैडो उनको समझ में आते हैं, जिस कारण वो इलाज करने को तैयार नहीं होती है। ऐसे लोगों को और भी ज्यादा हमें जागरूक करने की आवश्यकता है कि इलाज ही समाधान है। तो देखिए, कैंसर होना बहुत आम बात हो गई है, जैसे आपको बुखार आता है तो बहुत आम बात हो गई है, वैसे ही अब इस देश में कैंसर भी बहुत आम बात हो गई। तो इस कैंसर से कैसे बचा जाए, अभी हमने आपको सुनवाया। आपके इस वीडियो पर क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।